नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं विवेक निराला, हाजिर हूं खास खबर को लेकर। मतदाताओं की सुविधा के लिए 19 मई यानी रविवार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी बसों का परिचालन जारी रहेगा। शहर में एक जगह से दूसरे जगह असुविधा न हो, इसके लिए सिटी बसों का विभिन्न रूटों पर पूर्व की तरह चलाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मतदान के दिन वाहनों में कम परिचालन की वजह से लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। विगत वर्षों में बस और अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहता था। इस बार मतदाताओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए सभी रूटों पर सिटी बसों का परिचालन किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित किराया देकर सिटी बस सेवा के किसी भी रूट पर सफर कर सकते हैं। बताते चले कि पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा का मतदान रविवार 19 मई को है। मतदान के दिन सिटी बसों का परिचालन होने से मतदाताओं को काफी राहत मिलेगी। मतदान या अन्य इमरजेंसी सेवा के लिए बस द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सके, इसके लिए नगर बस सेवा के माध्यम से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मतदाताओं को जागरूक भी कर रहा है। शहरवासियों को जागरूक बनाने के लिए नगर बस सेवा के सभी बसों में मतदाता जागरूकता संबंधी एक से अधिक आकर्षक पोस्टर चिपकाया गया है। यह है सबकी जिम्मेवारी, डाले वोट सभी नर नारी। जी हाँ, 18 वर्ष की उम्र अगर आपने पार कर ली है तो आप वोट जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस 24।